सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज श्री सतगुरु कबीर सभा की तरफ से एक फ्री आई चेकअप का आयोजन मंदिर प्रीमिसेस में किया गया था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सतगुरु कबीर सभा के प्रधान FC भगत जी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज के सतगुरु कबीर सभा जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से जहाँ पर आज आईज का एक फ्री कैंप लगवाया गया, जिसमें शार्प साइड जो एक हॉस्पिटल है, आईज हॉस्पिटल, बड़ा रिप्यूटेड हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टर साहिबान और उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने जहाँ पर आकर कोई कम से कम कोई हंड्रेड्स के करीब लोगों को चेकअप किया और उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको कहते हैं हम जो काला मोतिया और वाइट मोतिया, दो किस्म के होते हैं, लेकिन वाइट मोतिया जिसका ऑपरेशन हो सकता है वो भी कोई 25 से ज़्यादा केस ऐसे पाए जहाँ पर जिनका उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। और जहाँ पर डॉक्टर साहिबान ने ये बताया कि ये इनकी जो अपना हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में ये फ्री जो है, जो आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनके पास, उन लोगों का ये फ्री जो है इनका ऑपरेशन किया जाएगा, दवाइयाँ फ्री और रहने का भी वहाँ पर फ्री होगा। और ये एक मैं कहता हूँ कि बड़े ही पुण्य की बात है कि आज हमारे विश्वनाथ से अलग अलग गांव से जहाँ पर लोग आए और उन्होंने जहाँ पर जो चेकअप करवाया। और इसके साथ सभा अपनी तरफ से ये भी करेगी कि जब भी इनको ऑपरेशन करवाना होगा हमें कंटेक्ट जहाँ पर करें, हम हमेशा जहाँ पर रहते हैं मंदिर में आए, जहाँ पर आए हमारी गाड़ी इनको ले जाएगी, हॉस्पिटल की गाड़ी वालों को भी हम बुला सकते हैं, वो लोग इनको जहाँ से घर से उठा कर ले जाएंगे और ऑपरेशन के बाद घर में ही छोड़ेंगे। और ये सभा का ये ऐसा है कि आज हमने जहाँ आईज का कैंप लगाया, इसके बाद हम गायनी का कैंप लगवाने जा रहे हैं, चाहे आर्थो का लगाने, या डिफरेंट जो भी डिजीजेज आजकल आ रही है उसी के रिलेटेड हमारा ये एक फर्ज बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है सभा के, कि हम जो लोगों तक, क्योंकि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के लिए सभा है, तो समाज के काम आनी चाहिए और उसके लिए हम चाहते हैं कि घर घर तक जो इनकी सेवाएँ जो आज सरकार की तरफ से मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, उनका हम घर घर तक पहुँचाएँ। उसके लिए सभा 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। हम अपनी गाड़ी का भी प्रोविजन कर सकते हैं, लोगों को घर के तक बता भी सकते हैं कि कौन सी डिजीजेज, कौन सी डॉक्टर कहाँ पर ऑपरेशन कैसे करते हैं, हर चीज़ का हमें डिटेल में उनको जहाँ पर करते हैं, क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिजीज है उसको भी यहाँ पर हम बुलाते हैं, बुलाकर उनको लोगों को भी ब्रीफ करते हैं, जैसे आज आईज के बारे में ब्रीफ किया, इस तरह अलग अलग जो है वो भी हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारी एक मंशा है, ये सभा का एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है, वो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम जो आज हमारे साथी डॉक्टर साहिबान आए, हम इनके भी बहुत आभारी हैं, इन्होंने वक्त निकाला, सुबह 11 बजे आए और 3:30 बज रहे हैं और बड़े प्यार से लोगों को देखा और बड़ी बहुत से लोगों को इन्होंने अपने जो मेडिसिन है वो भी प्रेस्क्राइब की और अपनी तरफ से भी किया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन लोगों को बेनिफिट दे सकते। जिन पेशेंटों को कोई मेडिसिन की जरूरत थी उनको क्या फ्री मेडिसिन भी कोई प्रोवाइड? वो भी कर सकते हैं हम, जो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो सब इतना सा करेगी जो, हाँ जिनके तो ऑपरेशन है, मैंने उनको कहा कि उनको तो 100% हर फैसिलिटी जो है फ्री में मिलेगी। फर्दर भी ऐसे चलता है, हर महीने का हम जो अब इनके साथ ये किया कि यही अगर आईज के बारे में 1 महीने के बाद हम जनवरी में फिर एक कैंप करेंगे, फिर हम इनको इनवाइट करेंगे और घर घर तक जाए, तब तक कम से कम हम कहते हैं कि कम से कम 400-500 लोगों को जो है आईज प्रॉब्लम जिनको है, खास करिए बुजुर्ग, जहाँ भी आपका देखोगे 40 और 50 साल से इंसान जाता है, मेल हो फीमेल हो, उसको आँखों की प्रॉब्लम आती है, एन की प्रॉब्लम आती है, पानी आँखों से बहता है और ये मोतिया खास करके जो वाइट मोतिया वाला जो है जिसका इलाज है वो टाइमली ना हो तो ये मोतिया जो होता है ये फट जाता है, फटने के बाद इसके बाद मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई चांस किसी डॉक्टर के पास नहीं कि वो इनको दोबारा नज़र ला सके, इसलिए हमें कि टाइमली चेक करना और टाइमली इनका ऑपरेशन ही हाल है और कोई इसका दवाई कोई हाल नहीं।